अमेरिका मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने का मुद्दा अमेरिका में लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक तरफ दीवार को लेकर जमकर राजनीति हो रही है, तो वहीं आम नागरिकों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अभी 35 दिनों के शटडाउन से अमेरिका उबर भी नहीं पाया था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। हालांकि उनके इस फैसले के खिलाफ 16 राज्यों ने मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिनमें न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया जैसे मुख्य राज्य भी शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल लेतीतिया जेम्स ने सोमवार को दायर मामले में कहा कि सैन्य निर्माण और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रयोग किए जाने वाले धन को अमेरिका मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने पर खर्च करने से न्यूयॉर्क की सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा होगा। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने संबंधी फैसले के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए हैं। नेशनल इमरजेंसी के खिलाफ अमेरिका के 16 राज्यों के कोर्ट जाने से पहले ही ट्रंप ने अपना बयान दे दिया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि अगर कोर्ट का फैसला राष्ट्रीय आपातकाल के खिलाफ आता है तो वो वीटो करेंगे। दरअसल ट्रंप नेशनल इमरजेंसी के जरिए मेक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने के लिए $5.7 बिलियन जमा करना चाहते हैं। पिछले महीने शटडाउन के बाद भी विपक्षी डेमोक्रेट्स के साथ दीवार को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी, जिसके बाद ट्रंप ने आपातकाल लगाने का ऐलान कर दिया। अब ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। देखना यह होगा कि अमेरिका में दीवार की सियासी लड़ाई का अंजाम क्या होता है। आज तक ब्यूरो।